Doing dihydric alcohols in continuation with our series on alcohols. So what are dihydric alcohols? Basically, as the name implies, these are those alcohols which are diols, implying they have two hydroxy group. Now these two hydroxy groups, they are not attached on the same carbon. आप सभी को मालूम होगा कि अगर एक कार्बन में दो OH ग्रुप लगे हों तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये जो लगे हुए ग्रुप्स होते हैं, ये दो अलग अलग पिसनर अगल बगल के कार्बन में लगे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स में लगे होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं डायऑल्स। दो क्योंकि होते हैं और एट द सेम टाइम ये दो जो लगे हुए होते हैं, ये क्योंकि अगल बगल के कार्बन में लगे होते हैं, इसलिए इनको कॉमनली 1,2-diol भी कहा जाता है। 1,2-diols, 1,3-diols भी होते हैं, पर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 1,2-diol, दैट इज ग्लाइकॉल। तो हम पढ़ेंगे इसमें ग्लाइकॉल्स की प्रिपरेशन के तरीके, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और जैसा कि आप जानते ही होंगे क्योंकि OH ग्रुप्स के विषय में हम पढ़ते चले आए हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप्स, तो इसमें आपको खास कठिनाई नहीं होगी रिलेट करने में। यू विल बी एबल टू ईजली रिलेट इट टू द प्रीवियस चैप्टर्स दैट वी हैव स्टडीज। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज डायोल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड दीज डायोल्स, द ग्लाइकॉल, द वन विच वी आर स्टडिंग, बिकॉज इट इज स्वीट, कॉमन नेम, दैट्स व्हाई ऑल दोज विच आर 1,2-diols, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स। एंड कॉमन नेम्स, यू नो, वो डिपेंड करता है, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं इनको, 1,2 भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फा ग्लाइकॉल्स जो होते हैं वो 1,2-diols होते हैं, बीटा ग्लाइकॉल्स एक कार्बन छोड़ के वो 1,3-diols होते हैं, इसी तरह गामा ग्लाइकॉल्स 1,4-diols। अल्फा तो जिसमें अगल बगल में दो OH लगे हों, जहां लगे हों एक कार्बन छोड़ के वो बीटा ग्लाइकॉल या 1,3-diols, जहां एक और कार्बन छोड़ के वहां अल्फा बीटा गामा के हिसाब से गामा ग्लाइकॉल्स या 1,4-diols। लोअर ग्लाइकॉल्स जो होते हैं वो बहुत विस्कस से होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, नेचुरली क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन होगा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यही कारण है। और केमिकल प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे, क्योंकि दो OH ग्रुप है तो उसी तरह होगी जो अल्कोहल्स की होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं ग्लाइकॉल का पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइलीन, द फर्स्ट प्रिपरेशन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। नाउ इथाइलीन क्लोरोहाइड्रिन किससे बनी होती है? ये कमर्शियली इथाइलीन क्लोरो हाइड्रिन जो है, इससे जब हम बनाते हैं ग्लाइकॉल तो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इथाइलीन क्लोरोहाइड्रिन इटसेल्फ, ये प्रिपेयर होती है इथाइलीन से, हम इथाइलीन CH2CH2, एक तरफ लगा HOCl के साथ जब रिएक्शन होता है, एक तरफ लगा OH और एक तरफ Cl, तो बन गया हमारा इथाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। कमर्शियली इसका प्रिपरेशन हाइड्रोलाइज करें, इसको हाइड्रोलाइज करें, सिंपली हमें क्या करना है, एक OH ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, हमें सिंपली ये करना है कि दूसरे CH2 में लगा हुआ ये Cl रिप्लेस हो जाए किससे, OH से, ये निकलेगा, इसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स पुल करे Cl नेगेटिव, तो कार्बन हो गया पॉजिटिव, उसकी तरफ जो आएगा वो न्यूक्लियस लविंग, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक ही है ये सब्स्टिट्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, एक तो ऑलरेडी था क्लोरोहाइड्रिन में, अब एक और आ गया OH, बन गया हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल, और Na ने क्या खींच लिया यहाँ से, Cl, NaCl, एक OH लगा यहाँ तो रह गया सिर्फ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल विच इज by hydrolysis of ethylene chlorohydrin. Now similarly the second preparation is simply hydrolysis of ethylene oxide. वही देखिए, दो कार्बन तो हमें जरूरी है ना, क्योंकि दो ही कार्बन है हमारे
ग्लाइकोल में तो दो कार्बन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इथिलीन ऑक्साइड है, थ्री मेंबर्ड रिंग है, क्या करेंगे इसका फिर से हाइड्रोलिसिस एट अबाउट दिस हाइड्रोलिसिस विच टेक्स प्लेस इजिली वेरी इजिली बिकॉज दिस रिंग इज नॉट वेरी स्टेबल थ्री मेंबर्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर वी हैव ये खुलेगी ओ एक तरफ लगा एच और दूसरी तरफ लगा ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड दिस यील्ड्स आर इथाइलीन ग्लाइकोल. दिस टेक्स प्लेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइलीन ऑक्साइड विद H2O एट this temperature and therefore we get ethylene glycol. अब ये जो देखिए डाइल्यूट H2SO4 के साथ है तो तब टेम्परेचर कम होता है, अदरवाइज तो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है ये. तो यहाँ क्योंकि इसके साथ है ये एसिड के साथ है ये एसिड की प्रेजेंस में सो द रिएक्शन टेक्स प्लेस ईजिली. नाउ हाउ इज इथाइलीन ऑक्साइड मेड अगेन CH2. इसका जो रिएक्शन होता है पहले जैसे आपने पढ़ा हुआ इथाइलीन का मिक्सचर जो है इथाइलीन ऑक्साइड दोनों का मिक्सचर ये इथाइलीन और ऑक्सीजन का पास करते हैं जब हम कैटलिस्ट सिल्वर कैटलिस्ट के ऊपर ध्यान से आ रहा होगा अब आपको तो हमें क्या मिल जाता है इथाइलीन ऑक्साइड इथाइलीन को पास करें सिल्वर कैटलिस्ट सिल्वर इज द कैटलिस्ट एंड ऑक्सीजन सो इथाइलीन ऑक्साइड यही इथाइलीन ऑक्साइड के हमें हाइड्रोलिसिस से मिल गया इथाइलीन ग्लाइकोल. अब फिर से इथाइलीन ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड है डाइब्रोमाइड सिंपली क्या करना है यहाँ से भी BR निकले यहाँ से भी BR और दोनों जगह OH से रिप्लेस हो जाए तो इसका जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो इथाइलीन ब्रोमाइड का एक्वस सोडियम कार्बोनेट देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं ये लेबोरेटरी मेथड है इसको बनाने की और लैब में ये इजिली इस तरह प्रिपेयर हो जाता है. इनको बॉइल करें इथिलीन डाइब्रोमाइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हाइड्रोलाइज होके हमें देता है इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ निकल आएगा CH2 यहाँ से BR निकला BR और OH लगा OH किसने खींचे ये दोनों यहाँ से BR किसने खींचा BR यहाँ से Na ने तो NaBr 2NaBr 2Br हैं तो Na2Br यहाँ एक Cl था तो NaHCl So here Na2CO3. So we get 2NaBr and CH2OH, CH2OH that is our glycol. The next preparation again is from ethylene. So these are easy. You have to just start with either ethylene or derivatives of ethylene. Remember, या तो ethylene ले या इसके derivatives ले. उसका भी हम क्या करते हैं? Hydroxylation. Hydroxylation मतलब कि MnO4 के साथ और आपको मालूम है ये मेथड अप्लाई कर जो है अप्लाई होती है किसमें फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन कंपाउंड्स इसको बायोस रिएजेंट भी कहते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट को तो कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हमें मिलता है इथिलीन ग्लाइकोल तो चार प्रिपरेशन है बहुत सरल प्रिपरेशन है कि इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है इसका हाइड्रोलिसिस करें इथिलीन ऑक्साइड है इसका हाइड्रोलिसिस करें इथिलीन डाइब्रोमाइड है इसका हाइड्रोलिसिस करें दो BR है तो Na2CO3 लेंगे यहाँ NaH लेंगे एक ही N है इसमें क्योंकि एक ही हमें यहाँ से Cl निकालना है और या हाइड्रोक्सिलेशन इथिलीन का जो कि बायर्स रिएजेंट कोल के MnO4 के साथ हमें मिल जाता है इसका डेरिवेटिव दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल. ये विस्कस है और बॉइलिंग पॉइंट लगभग 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका ग्रेविटी लगभग 1.1 होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और क्योंकि ये स्वीट टेस्टिंग होता है इसलिए नाम जो है इसका उसी अनार पर पड़ा और वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ईथर वगैरह में इनसॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस कारण से. सो आफ्टर द प्रिपरेशन लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी तो इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्योंकि इसमें दो क्या होते हैं देखिए दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH CH2OH जैसे प्राइमरी अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है तो बिल्कुल इसी तरह इसकी भी प्रॉपर्टी एक एक करके ये रिप्लेस हो जाते हैं या ये रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ दे रिएक्ट विद सोडियम तो सोडियम में क्या होगा देखिए सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो एक H निकला उसकी जगह क्या आ गया Na
मतलब बन गई हमारी मोनो एल्कोक्साइड, मोनो एल्कोक्साइड होती है, इसकी एल्कोक्साइड CH2O नेगेटिव, ये तो मोनो है एक ही, क्योंकि जगह रिएक्शन हुआ है, H निकला, इसका एसिडिक कैरेक्टर भी दिखा रहा है ये। और फिर ग्रेजुअली एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिएक्शन कंटिन्यूज फर्दर एंड देयरफॉर वी विल गेट अ डाई एल्कोक्साइड, हाइड्रोजन निकल गया और डाई एल्कोक्साइड बन गया, नो प्रॉब्लम्स, दिस व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर इन आवर प्राइमरी एल्कोहल्स। इसी तरह जब फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ इसका रिएक्शन होता है, फॉस्फोरस हैलाइड क्या होगा यहाँ पे, फिर से ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br से, मतलब ये कैसा रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो दो OH निकले और PBr3, इसमें Br काफी है, तो क्या बन गया इससे, डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, OH नेगेटिव निकल गया, उसकी तरह क्या जगह क्या आ गया, Br पॉजिटिव, OH नेगेटिव किसकी मदद से निकला है, फिर रिकलेक्ट दिस, ये पूरा मैकेनिज्म हमने एल्कोहल्स में इससे पहले पढ़ रखा है, तो किसकी मदद से निकला ये PBr, ये यहाँ से जो है फॉस्फोरस, ये यहाँ इसके साथ क्या बना लेगा, H3PO3 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा Br, सो वी विल गेट इथिलीन डाइब्रोमाइड। और अगर यही रिएक्शन जो है फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन में Pi3 के साथ हो, इन दैट केस ये तो PBr3 के साथ था, फॉस्फोरस जो है ट्राइआयोडाइड वो थोड़ा सा फर्क इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि बड़ा होता है साइज में, तो ये पहले तो डाइआयोडो इथेन बना लेगा, उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, OH निकल गया यहाँ से इसके साथ है, तो H3PO3 तो बनेगा ही, एट द सेम टाइम यहाँ डाइआयोडो इथेन, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि ये टकराते हैं आपस में, इसकी एनर्जी हाई हो जाती है इस डाइआयोडो इथेन की, तो इसमें से तुरंत क्या निकल आता है, आयोडीन बाहर, एंड वी गेट इथाइलीन, उनको क्या मिल जाती है, इथाइलीन। This is also an important step in conversion. अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कैसे आप इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से इथिलीन बनाएंगे, क्लोरोहाइड्रिन हमने इससे पहले करा था ना, देखिए इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन ये है इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, तो पहले तो हम इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन या डाइआयोडो डाइब्रोमो जो है इथिलीन से, इथिलीन डाइब्रोमाइड से आप कैसे बनाएंगे इथिलीन, तो दोनों ही केसेस में आप देखिए इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले हम ग्लाइकॉल बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप तो ये होगी, फिर सेकंड स्टेप में जब एक बार ग्लाइकॉल बन गया तो उससे इथिलीन बनाने के लिए क्या करा, Pi3 के साथ रिएक्ट कराया, ये जो बना हमारा डाइआयोडो 1,2-डाइआयोडो इथेन, ये कैसा है, अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज कर जाएगा, आयोडीन इससे निकल गई एंड वी विल गेट इथाइलीन। सो दीज क्वेश्चन कैन इनडायरेक्टली बी आस्क्ड इन कन्वर्जन, क्योंकि ये प्रिपरेशन में है, पहला पार्ट इसका प्रिपरेशन का स्टेप है, सेकेंड पार्ट जो है इसका रिएक्शन का स्टेप है। सो दिस वॉज द रिएक्शन विद फॉस्फरस हैलाइड्स। नाउ वॉट हैपन्स वेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद हाइड्रोजन क्लोराइड विद HCl, वेन HCl रिएक्ट विद ग्लाइकोल, तो दो स्टेप में रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड में लगभग क्लोरोहाइड्रिन बन जाता है, फिर ये क्लोरोहाइड्रिन जो है डाइक्लोराइड में चेंज हो जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर और हाई करने पे, तो पहली स्टेप में ये बन गया हमारा ये OH, H यहाँ पे अटैक करा इसको, OH अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, H2O निकल गया, उसकी जगह क्या आ गया Cl, जो हमने पहले पढ़ रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बन गया इस तरह हमारा इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, क्योंकि एक तरफ Cl लगा एक तरफ OH लगा है, तो क्लोराइड। अब टेम्परेचर और हाई और फर्दर HCl रिएक्ट करेगा, तो यही स्टेप टू ट्वाइस रिपीटेड, क्योंकि ये भी तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये यहाँ पर भी H पॉजिटिव का अटैक होगा, H2O निकलेगा, उधर पे क्या आ जाएगा Cl, सो यू विल गेट 1,2-डाइक्लोरोइथेन, क्या बन गया 1,2-डाइक्लोरोइथेन। नाउ ऑन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये पहले मोनोएस्टर बनाएगा क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल एसिड के साथ क्या बनाते हैं एस्टर, तो एसिटिक एसिड के साथ पहले मोनोएसिटेट, फिर फर्दर रिएक्शन डाइएसिटेट, ग्लाइकोल डाइएसिटेट, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन वंस अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड वी देयरफॉर गेट एस्टरीफिकेशन रिएक्शन 2 वी हैव डन अर्लियर, मैकेनिज्म बिल्कुल वही है जैसा हमारे अल्कोहल और एसिड्स के स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता है, और यह हम दो चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एस्टरिफिकेशन और अल्कोहल्स में भी एस्टरिफिकेशन। वही एस्टरिफिकेशन इसमें है कि CH2CH3CO plus H2O water. This is monoester and this is glycol diacetate, that is a diester. So this was the reaction with carboxylic acids giving us ester. लेकिन यहाँ पे एक important reaction में लिखा हुआ है, ये क्या reaction है देखिए, ये क्या है हमारा dicarboxylic acid है, terthalic acid. थैलिक एसिड में तो 1-2 पोजीशन में COH होते हैं, इसमें 1-2-3-4, तो इसको कहते हैं टर्थैलिक एसिड। अब ये टर्थैलिक एसिड में दो तरफ COH ग्रुप है और यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल में दो तरफ OH है, तो क्या होगा कि इधर से भी H2O निकलेगा और एस्टर बनेगा और इधर की तरफ से भी हमारा H2O निकलेगा और एस्टर, दोनों पॉइंट से। अब जस्ट यहाँ पे जब एस्टर बन गया इसके साथ, तो देखिए ये रिएक्ट कर गया CH2OH, यहाँ से रिएक्ट करा तो बन गया इस तरह COO, पर ये गोना तो खाली रहा, वो फर्दर एक और के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसे जब यहाँ से रिएक्शन हुआ तो यहाँ एस्टर ग्रुप हो जाएगा, पर दूसरा ग्रुप का तो COH खाली होगा, वहां फर्दर रिएक्शन हो सकता है। इन अ नटशेल वी कैन से दैट ये रिएक्शन लगातार होते रहता है क्योंकि दोनों तरफ COH और दोनों तरफ OH ग्रुप है, मतलब N हमारे जो है इसके टर्थैलिक एसिड के N मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोल के रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, H2O निकलेगा और इस तरह एक लंबा एक चेन सी बन जाएगी, चेन मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, तो पॉलीमिरोस, मतलब ये बन गया पॉलीमर, टेरिलीन इसका नाम है, टेरिलीन। टेरिलीन क्यों नाम है, एक टेर से टर्थैलिक एसिड से टर लिया और ये इथाइलीन ग्लाइकोल का आइलीन, तो नाम पड़ गया टेरिलीन। नाउ टेरिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ विच फैमिली, पॉलीएस्टर, क्या है ये, पॉलीएस्टर है, मेनी एस्टर ग्रुप्स हैं, प्लस ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल जो निकलेंगे हमारे वो H2O जो निकलेगा, अब एक H तो इस कोने में, जब ये रिएक्शन एंड हो जाएगा मतलब सारे हमारे COH भी यूज हो जाएंगे और सारे हमारे OH भी हो जाएंगे यूज, तो एक कोने में रह जाएगा OH किसका, ग्लाइकोल का, एक कोने में रह जाएगा OH किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो ये ब्रैकेट के बाहर दिखा रखे हैं। तो एक यूनिट पूरी हमने, इसी तरह हम लिखते हैं पॉलीमर की, ये पूरी यूनिट कौन सी हुई, एक यूनिट कैसे बनी है, CO साथ में COO CH2 CH2 O, O के कोने में है यहाँ पे H, CO के कोने में है यहाँ पे OH, ये इसकी एक यूनिट, रिपीटिंग यूनिट जो इसकी है, रिपीटिंग यूनिट ये बीच वाली है जो N टाइम्स लिखी है, तो उसमें एक तरफ H और एक तरफ OH है, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल हुआ, तो एक इसीलिए लिखते हैं 2N-1H2O, क्योंकि ये नहीं निकलते हैं ना, H और OH ये वाले लास्ट में जो रह जाते हैं, सो 2N-1, 2N इसलिए N ये है और N ये है, सो 2N-1 इसलिए क्योंकि इधर एक H है और इधर एक OH है, ये रह जाता है, तो कितना मॉलिक्यूल वाटर बनेगा, 2N-1H2O, this is an important polymer known as a polyester terylene. Now coming to the next reaction is with aldehydes and ketones. अब aldehydes और ketones के साथ इसका reaction इसलिए interesting है क्योंकि ये condensation, अब देखिए फर्क, अभी तक हम जो reaction देख रहे थे उससे ये फर्क, reaction ऐसे है कि यहाँ पे जब ये react करेगा तो H और H, ये H2 हो गया, ये O, H2O निकल जाएगा और इससे क्या होगा, कंडेंसेशन, मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं यूनिट, एक मॉलिक्यूल ही निकलेगा H2O का और दोनों यूनिट हमारे जुड़ जाएंगे, जैसे पॉलीमराइजेशन में भी इसी तरह हुआ, इससे पहले वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन था हमारा, इससे पहले का जो हमने करा था पॉलीमर आप आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो ये भी कंडेंसेशन था, जब दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ऐड हो गए एक एलिमिनेशन के, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से, तो कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाते हैं, वही यहाँ हुआ H2O, तो CH2 एक सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ गया क्योंकि कार्बन की दो वैलेंसी कम हो गई ना, एक यहां से H से जुड़ा और एक यहां से H से जुड़ा, तो ये कैसा बन गया स्ट्रक्चर, साइक्लिक, और क्योंकि ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड के साथ बना है इसलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिक एसिटल, क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल। अब ये साइक्लिक एसिटल जो है, साइक्लिक देख रहे हैं, जब H2 और
ओ ये निकल गया, तो एक तरफ ये सी एच टू कार्बन से जुड़ा, दूसरी तरफ ये वाला एंड ये सी एच टू, तो ये क्या बन गया, देखिए एच टू ओ। अब यहाँ पर देखिए सी एच टू ओ सिंगल कार्बन, सी एच टू ओ क्योंकि ऑक्सीजन की इक्वेलेंसी क्या बन गया विद कार्बन, सो हियर वी गेट सी एच टू ओ ओ सी सी एच थ्री सी एच, दैट इज असाइक्लिक एसिटिल इज फॉर्म टूगेदर विद एन एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर यहीं पर रिएक्शन एसीटोन के साथ हो तो वही रिएक्शन होगा, एच टू ओ निकला और एक ऑक्सीजन यहाँ कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन के साथ क्योंकि इसकी दो वैलेंसी कम हुई है, तो ये एच टू ओ इस तरह इतना निकल गया एच टू ओ, और ये बॉन्ड इधर जुड़ गया ऑक्सीजन से, ये नीचे के ऑक्सीजन से, और अब के क्योंकि ये एसीटोन से मिला है, कीटोन से मिला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कीटन। ये हमारा बन गया सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच टू, साइक्लिक कीटन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये साइक्लिक कीटर जो है क्या, किस तरह इनका यूज होता है कि प्रोटेक्शन, जहां कहीं हम रिएक्शन करा रहे हैं और हम चाह रहे हो कि हमारा वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्ट ना करे, वो रिएक्ट ना करे, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है, शील्ड करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ही हम क्या यूज, मान लीजिए एक उसमें है कहीं पे सीओ ग्रुप भी है और कुछ ऑक्सीडेशन करा रहे हो और स्ट्रॉन्ग हम नहीं चाह रहे हैं ये बॉन्ड यहाँ बीच में से टूटे, तो क्या करें, इसको प्रोटेक्ट कर लें, जिससे दूसरी तरफ मान लीजिए कहीं OH है, OH अल्कोहलिक, उसको ऑक्सीडाइज कराना चाह रहे हैं, इसको नहीं कराना चाह रहे हैं या इसको रिएक्ट ही नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो ये कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये कीटल बना लेगा, तो अब नो लॉन्गर कार्बोनाइल नहीं रहा ये, तो अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए, कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए ये यूज करा जाता है रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इस तरह ग्लाइकोल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब ये भी देखना पड़ता है कि जिससे हमने प्रोटेक्ट कराया, जब हमारा जो मकसद है वो पूरा हो गया, मतलब सिंथेसिस कंप्लीट हो गया, तो हमें वापस ये ग्रुप रीजेनरेट हो जाए, ये इजिली रीजेनरेट हो जाता है, कैसे, वेरी इजिली इट कैन बी रीजेनरेटेड बाई रिएक्शन ऑफ पराओडिक एसिड, HIO4 के साथ रिएक्ट करके ये हमें फिर से हम रीजेनरेट कर लेते हैं हमारा कीटो, या सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस करके। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद एसीटोन, रिमेंबर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस रिएक्शन, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, सो इट इज द रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन एज द नेम इंडिकेट्स, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट, पानी निकालते हैं इसमें से, कैसे निकालें, या तो हम यूज करें जिंक क्लोराइड, या तो हम, अगर देखिए अलग अलग मेथड है, पहला वाला ये जो लिखा है, जिंक क्लोराइड के साथ क्या होगा, H2O निकल गया, H2O, और क्या हुआ, क्योंकि देखिए एक तरफ से OH निकला, एक तरफ से H निकला, अब यहाँ से एक बॉन्ड पूरा ही निकल गया है, अब क्या होगा, देखिए H2O के निकलने से ये OH निकल गया है, ये H अब एक एक इस तरह से निकला यहाँ से, तो एज द रिजल्ट ऑफ दिस वी आर लेफ्ट विद दस नाउ CH, एक यहाँ जो H ये रहता है इधर, तो ये बन गया CH3 क्योंकि एक बैलेंस ये कम हुई है CH3, और यहाँ रह गया CHO, ये ऑक्सीजन, क्योंकि H2O में तो एक ही ऑक्सीजन निकला है ना, तो CH3CHO, that is acetaldehyde is formed. So dehydration with zinc chloride yields acetaldehyde. On the other hand, अगर यही dehydration reaction जो है 500 degree centigrade पे ऐसे heat किया जाए, तो H2O निकल के हमें ethylene oxide मिल जाता है, इथिलीन ऑक्साइड, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल, उल्टा रिएक्शन इसका ये होता है ना रिवर्स, जब इसका हाइड्रोलिसिस करें तो इससे हमें क्या मिलता है, इथिलीन ग्लाइकोल, अगर आपको ध्यान होगा है? तो उसी को अगर हम हीट करें तो इससे इथिलीन ऑक्साइड, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको हीट करें तब तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल देता है, देखिए डाइथाइलिन ग्लाइकोल मतलब एक तो पूरा ग्लाइकोल का यूनिट ये है CH2CH2OHOH, दूसरा ये है CH2CH2OHOH, अब क्या होगा इसमें से H2O निकला,
तो यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन से जुड़ गया ये, तो क्या बन गया, डाई इथाइलीन, दो यूनिट्स है ना इथाइलीन की, डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि तो ये किससे जुड़ी है, दोनों यूनिट्स ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, क्योंकि H2O ये निकला, सो दिस इज डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल when we are doing dehydration in the presence of phosphoric acid. अब अगर यही dehydration जो है ये sulfuric acid concentration के presence में हो तो कुछ वो यू होता है कि यहाँ से भी H2O निकल गया, यहाँ से भी H2O, in fact दो बनते हैं ये, तो निकल गया तो एक oxygen की unit, क्योंकि अब क्या हम H2SO4 यूज कर रहे हैं तो और ज्यादा निकल आएगा water, है dehydration, तो यहाँ से ये oxygen से बन जाएंगे दोनों CH2, ये CH2 को भी जोड़ने वाला सिर्फ एक oxygen रह जाएगा क्योंकि H2O इसमें से निकल आएगा. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों कोनों से ये पानी निकाल लेगा, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, उसको कहते हैं दोनों तरफ ऑक्सीजन लगी है ना, तो डाई ऑक्सेन CH2, 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 यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ भी पहले OH था, यहाँ भी OH था, H2O इधर से भी निकला तो एक ऑक्सीजन रह गया, इधर से भी H2O निकला तो यहाँ भी सिर्फ एक ऑक्सीजन. This is called as dioxane. So dioxane is formed in this case. These were the dehydration reactions. Now coming to the oxidation dehydration के बाद. कि अगर हम इसका oxidation करें तो देखिए अलग अलग तरीके से हम इसको oxidize कर सकते हैं. क्योंकि देखिए जब इसको oxidize किया nitric acid oxidation दे रखा है. Nitric acid oxidation में क्या होता है, कितनी किस्म के हम देखते हैं ना products इसमें बनते हैं. क्योंकि primary alcoholic group है तो पहले तो वो ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, एल्डिहाइड में, फिर ये एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, तो पहले तो हमें मिल जाएगा ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, फिर ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड एक ही प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि वी नो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव अस एल्डिहाइड, सो दिस इज एन एल्डिहाइड विच इज फॉर्मड. ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन प्राइमरी alcohol, first they give aldehyde, then acid. So glycolic acid is formed. First glycolic aldehyde, then glycolic acid. अब ये ऊपर वाला ग्रुप भी तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो वो भी पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, फिर वो एसिड में, तो ये क्या बन गया, ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज अ गुड मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑक्सैलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल. एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस ऑल्सो इन दिस वे कि ये जो है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, अब ये यहाँ CHO ऑक्सीडाइज हुआ COH में, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार नीचे का CH2OH CHO में बदले, फिर ऊपर वाला CH2OH CHO में, तो अब दोनों पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाए, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके ना हो के दोनों पहले एल्डिहाइड में, दोनों पहले एल्डिहाइड में हो गए तो क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल, क्योंकि एल्डिहाइड है, ग्लाइऑक्सल. अब ये ग्लाइऑक्सल में फिर एक यूनिट ऑक्सीडाइज हुई तो बन गया ग्लाइऑक्सैलिक एसिड. अब ग्लाइऑक्सैलिक एसिड फिर दोनों ऑक्सीडाइज हो गए तो बन गया ऑक्सैलिक एसिड. सो रिमेंबर, इसमें आपको बस यही याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल है तो पहले एल्डिहाइड देगा फिर एसिड, तो एक एक करके होगा, तो पहले ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, फिर ग्लाइकोलिक एसिड, फिर फाइनली ऊपर वाला ये ऑक्सीडाइज हुआ, फिर ये ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, और जब दोनों हो गए तो ऑक्सैलिक एसिड, या एक एक करके CHO CHO में चेंज, अगर ये ऊपर और नीचे वाले हो गए तो ग्लाइऑक्सल, देन ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, वन यूनिट ऑक्सीडाइज, देन द अदर आल्सो ऑक्सीडाइज, वी गेट ऑक्सैलिक एसिड. सो दिस वॉज द ऑक्सीडेशन यूजिंग नाइट्रिक एसिड. नाउ इफ द सेम ऑक्सीडेशन इज डन यूजिंग HIO4 हाइड्रोहाइड्रिक एसिड या लेड टेट्राएसिटेट, तो दोनों केसेस में हम पढ़ चुके हैं कि बीच में से टूट जाएगा तो ये CH2OH, यहाँ से क्या बन जाएगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल है ना एल्डिहाइड, फिर ऐसे नीचे वाला है ये भी चेंज जाएगा किसमें, एक और फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें दो यूनिट्स किसकी मिलेंगी, एक यूनिट ग्लाइकॉल से हमें दो यूनिट मिल जाएंगी फॉर्मेल्डिहाइड की. और वहीं पे अगर कॉमनली स्टेट करें, कोई भी ये हमारा 1,2-diol हो तो ये टूटा इधर बीच से तो बन गया RCHO, यहां से भी RCHO, तो दो यूनिट्स एल्डिहाइड की, एक HIO3, ये HIO3 में रिड्यूस हो जाएगा और H2O. दिस वॉज द ऑक्सीडेशन, बिकॉज कैसे होगा ना, देखिए RCH
ओ, ये पी एच कम हुआ ना, यहां से भी तो कम हुआ एच, तो बन गए हमें एच कम होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन, तो एच एच कम हुआ, यहां से ये ऑक्सीजन कम हुआ तो एच टू ओ बन गया, ऑक्सीजन कम हुआ तो मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन इनटू एच आई ओ थ्री. नाउ इफ द सेम ऑक्सीडेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओ फोर, तो एक स्टेप एक लेवल आगे चला जाएगा के एम एन ओ फोर की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होगा, तो उस केस में हमारा बन जाएगा फॉर्मिक एसिड. अब देख रहे हैं आप, ये मोनोहाइड्रिक में नहीं होता है रिएक्शन, ये उससे इसलिए हटके है, ऑक्सीडेशन विद पैराहाइड्रिक एसिड या इस तरह ऑक्सीडेशन विद के एम एन ओ फोर जो यहाँ दिखा रखा है. तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये 1,2 डायोल्स में है, ऐसा 1,3 या 1,4 डायोल्स में नहीं होता है. ऐसे ही ये जो दिखा रखा है ऐसे ही हमारा के एम एन ओ फोर के साथ ये हमारा ऑक्सीडेशन है, एक लेवल आगे जब हमको क्या मिलेगा फॉर्मिक एसिड. नाउ कमिंग टू दिस इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. अब देखिए CH3 है, CH3 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 OH. अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में यह होता है कि ये पिनाकोल, यानी कि पिनाकोल मतलब जब दो 1,2 डायोल है, 1,2 डायोल, 2,3 डाइमिथाइल, अब ब्यूटेन है ना, 1,2,3,4 चार लगे हैं हमारे पास कार्बन, तो ब्यूटेन का डेरिवेटिव है ब्यूटेन डायोल, और ब्यूटेन डायोल में 2 और 3 पोजीशन में क्या लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ दो यहाँ, तो 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल, ये क्या होगा सिर्फ एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. बहुत मजेदार रिएक्शन, ऐसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए अब आप देखेंगे OH ग्रुप खत्म, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया कीटोन, तभी इसको कहते हैं पिनाकोल 1,2 डायोल, और क्योंकि ओन मींस कीटोन, इसको कहते हैं पिनाकोलोन, इसलिए इसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ एसिड डालें इसमें, एसिड की प्रेजेंस में इस तरह से इसका मैकेनिज्म है जो रिएक्शन होता है, एच पॉजिटिव OH को अटैक करेगा तो ये OH गुड लीविंग ग्रुप, ये H2O में चेंज हो जाएगा, वैलेंसी ऑक्सीजन की अब क्या हो गई 2 से 3, पॉजिटिव इसमें आ गया चार्ज, H2O इसमें से निकल गया, ये है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि बन गया कार्बो कैटायन, क्या बन गया हमारा कार्बो कैटायन. नाउ दिस कार्बो कैटायन दैट इज फॉर्मड, क्योंकि OH प्रोटोनेट हो गया तो हमारा H2O निकल गया, गुड लीविंग ग्रुप बन गया, और हमको जो मिला वो क्या मिल गया, एक स्टेबल प्रोटोनेटेड कार्बन, तो कार्बो कैटायन, इससे हमारा H2O निकल के बन गया कार्बो कैटायन. अब इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट क्या किस तरह होगा, देखिए ये रीअरेंजमेंट जो होगा, तो रीअरेंजमेंट में एक कार्बन पॉजिटिव अब होने को ये टर्शियरी है देखिए, लेकिन ये CH3 अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है बगल के कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बो कैटायन स्टेबल है, खींचेगा यहाँ से क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी नहीं है, कार्बन इन टर्न लगे हुए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इधर आ गए, यानी कि वो ऐसे ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, जैसे ही ऊपर शिफ्ट होने लगे तो ये ऊपर के CH3 की अब जरूरत नहीं रह गई, ये CH3 माइग्रेट हो गया, तो कितना स्ट्रॉन्ग पुलिंग इन्फ्लुएंस है इस कार्बोकैटायन का, ये संभव तब है जब इसके एडजेसेंट में क्या लगा है ये OH ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये OH इट इज केपेबल ऑफ गिविंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जैसे दिए तुरंत ये CH3 ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर इधर चला, तो ये भी स्टेबलाइज हो गया कार्बन, ये भी स्टेबलाइज हो गया, देखिए इस कार्बन में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहां से CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हुए माइग्रेट करा है, तो अब ये कार्बन का, इस कार्बन कैटायन का स्टेबलाइजेशन हो गया, इसने पुल कर लिया यहां से CH3 को, लेकिन ये ऑक्सीजन में तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इजिली रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारी क्या बन गई प्रोटोनेटेड कीटोन, आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप इधर, ये एल्काइल ग्रुप इधर और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ पर जिसके साथ लगा है एच पॉजिटिव, तो ये प्रोटोनेटेड कीटोन, प्रोटोनेटेड कीटोन तो बहुत ही इजीली अपने को स्टेबलाइज कर लेगी, क्यों, ये एच इसमें से पॉजिटिव चार्ज लेते हुए निकल जाएगा,
तो ये एच जो है एच पॉजिटिव के फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के यहाँ निकल जाएगा और हमारे को मिल जाएगा पिनाकलोन यानी कि एक स्टेबल कीटोन। सो दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट। और जिस एच पॉजिटिव से रिएक्शन शुरू हुआ था वो एच पॉजिटिव आखिर में निकल गया, यानी कि एच पॉजिटिव इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। हेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। याद रखिए एच पॉजिटिव होगा तो OH पे ही अटैक करेगा, OH पे अटैक करेगा तो नेचुरली OH2 बन जाएगा। OH2 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए क्योंकि हाइड्रोजन को, तो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से H2O। जैसे ही यहाँ से H2O निकला तो एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं टर्शरी। तभी तो ये कुछ हद तक स्टेबल है, जब ये स्टेबल होगा तभी तो आगे रिएक्शन करेगा। अब ये क्या होगा, ये कार्बोकैटायन इसकी वैलेंसी कम है कार्बन की, स्टेबल तो है लेकिन एक वैलेंसी, तो ये क्या करेगा, एक वैलेंसी कम होने से ये बगल के कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, बगल का कार्बन लगे हुए OH से खींचेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर चला जाएगा, खींचा चला आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ को गया तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1, 2, 3 और 4। इस अब CH3 की जरूरत नहीं होगी, इसमें ऐसे दो लगे हैं देखिए CH3, तो ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर समेत चला जाएगा इस कार्बन पे जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे हो गए, इस वाले कार्बन में भी पूरे हो गए, लेकिन अब ये ऑक्सीजन में आ गए प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन के तो इजिली रिमूव हो जाते हैं, ये एच पॉजिटिव इसमें से निकल आएगा एंड वी गेट आर कीटोन दैट इज पिनाकलोन। सो 1,2-diol इज पिनाकोल एंड दिस विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज पिनाकलोन। तो इसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट। तो देखें आज हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो देखिए हमने इसके प्रिपरेशन, किसके प्रिपरेशन, ग्लाइकोल, हम ग्लाइकोल्स में 1,2-glycol पढ़ रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल पढ़ रहे हैं, ना कि 1,3 या 1,4। तो इसमें प्रिपरेशन में सिंपली दो कार्बन वाले ही कंपाउंड से इसका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, चाहे वो इथिलीन क्लोराइड हो, इथिलीन ऑक्साइड हो, इथिलीन डाइब्रोमाइड हो या इथिलीन इटसेल्फ हो। तो इन सब के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्शंस, क्योंकि दो OH लगे होते हैं तो उसी तरह होते हैं जैसे प्राइमरी अल्कोहल्स के बट ट्वाइस रिपीटेड। तो यहाँ मोनो अल्कोक्साइड बनेगा, फिर ग्रेजुअली डाई अल्कोक्साइड सोडियम के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन हो तो डाई ब्रोमाइड, आयोडीन हो तो भी डाई आयोडाइड, पर क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और ये टकराते हैं आपस में एनर्जी हाई, तो ये I2 निकल आता है, इसमें से आयोडीन निकल आएगा और ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वी विल गेट इथाइलीन। HCl के साथ पहले क्लोरोहाइड्रिन मिलेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन सब रिएक्शंस में, और फिर दूसरा OH भी रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि एच पॉजिटिव इसको निकाल लेगा H2O के फॉर्म में, CH2C में पॉजिटिव चार्ज आ गया Cl नेगेटिव, तो अनदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1,2-dichloroethane। सिमिलरली इफ इट इज रिएक्टेड विद एन एसिड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, देन वी गेट आर डाई एस्टर, क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप है, दोनों केपेबल है रिएक्शन के, तो फर्स्ट मोनो एस्टर देन डाई एस्टर। ऑन दी अदर हैंड अगर ये टेरेलीन बनती है कैसे, अगर ये टर्थैलिक एसिड जिसमें जैसे इसमें दो OH ग्रुप है ऐसे उसमें भी दो OH ग्रुप है, तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ वन विल रिएक्ट विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर, दे विल रादर कंडेंस टुगेदर, कंडेंसेशन, क्योंकि H2O निकल आएगा, H2O निकला तो हमें एस्टर ग्रुप मिल गया, CO, COO, CH2, CH2, एक कोने में जब सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए तो एक कोने में OH रह गया, दूसरे कोने में COOH, तो 2N-1 H2O निकल गए, 2N H2O नहीं निकलते हैं क्योंकि एक H और एक OH तो लगा रह जाता है ना, और रिपीटिंग यूनिट जो है बार बार दोहराने वाली वो ये होती है बीच की, CO, COO, CH2, CH2O, N टाइम्स, क्योंकि N ये रिएक्ट कर रहा है और N ये रिएक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम LDI या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल बनाते हैं, और अगर डिहाइड्रेशन करें तो एसिटल्डिहाइड बनता है, इथाइलीन ऑक्साइड बनता है, डाई इथाइलीन ग्लाइकोल बनता है, या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग इसमें देखिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों तरफ से OH निकल के डाइऑक्सेन बनेगा। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन में स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड एंड देन एसिड, सो फाइनली व्हाट इज फॉर्म्ड, ऑक्सैलिक एसिड। इफ द ऑक्सीडेशन इज डन विद पर आयोडिक एसिड, ये बीच में से टूट जाता है और हमें दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के मिलेंगे, हर प्राइमरी अल्कोहल एक एल्डिहाइड देता है, तो
इस तरह हमें एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और HIO4 खुद से रिड्यूस हो जाएगा इनटू HIO3। KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक लेवल आगे जाएगा ऑक्सीडेशन, हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। नाउ दिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन, इट इज अ नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है ध्यान रखें, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट कुछ नहीं होता है, एसिड डाल के ये अल्कोहल जो है वो कीटोन में चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।